दोस्तों टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और आज की डेट न्यूज़ शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग को रिमाइंड कर देता हूं कि कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं आप लोग को कल टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा जो जनवरी 2019 में आपको देखने को मिलेगी। जी हां, तो सुबह 11 बजे तैयार रहना, बहुत ही कमाल का वीडियो होगा। काफी सारे नए नए फोन्स आपको जो देखने को मिलेंगे वो भी इंडिया में। आज अगर टेक न्यूज़ पसंद आएगी तो लाइक कर देना, बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ हमेशा की तरह लाया हूं। फटाफट से आज की डेट न्यूज़ शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो अभी टेक न्यूज़ शुरू करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे डील्स की बात कर देता हूँ, क्योंकि आज मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कमाल की डील मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। और अगर आपको ओरिजिनल एडिडास के शूज परचेस करना है जो यूजुअली अगर आप लेंगे तो 4,000 रुपए के ऊपर जाता है, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 1,600 रुपए के आसपास जो वो मिल रहे हैं। जी हाँ, वो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप वहां पे जाके चेकआउट कर लीजिए। 4,500 के जो जूते हैं ना वो सिर्फ 2,000 रुपए के नीचे में मिल रहे हैं, तो ये डील बिल्कुल भी हाथ से मत जाने देना। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे गूगल से, और ऐसा यहां पे बताया जा रहा है कि गूगल बहुत ही जल्दी अपने पिक्सल 3 लाइट और पिक्सल 3 एक्सएल लाइट, जी हां, ये तो दोनों बजट स्मार्टफोन है, वो लॉन्च कर सकता है अर्ली 2019 के अंदर। शायद से आप लोगों को जनवरी या मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को फरवरी के महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। अब ये जो फोन आएंगे इनकी स्क्रीन साइज आपको थोड़ी सी छोटी मिलेगी, बिल्ड थोड़ी सी यहां पे आपको प्लास्टिक में देखने को मिल सकती है, 3.5 mm ऑडियो जैक होगा, स्नैपड्रैगन 670 वाला प्रोसेसर भी होगा, लेकिन बात ये होगी कि जो उनका कैमरा होगा वो सेम होगा जो आप लोगों को पिक्सल 3 और 3 XL में देखने को मिला था। ऑब्वियसली वो बहुत ही महंगे फोन थे तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब देखते हैं कि गूगल इनको क्या प्राइस सेगमेंट में लेके आता है और इंडिया में कितना जल्दी लेके आता है, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और सैमसंग यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि रिसेंटली यहां पे सैमसंग ने एक नया पेटेंट फाइल किया था कर्व्ड डिस्प्ले का, और ये जो कर्व्ड डिस्प्ले सैमसंग की तरफ से आपको जो मिलते हैं वो ऑब्वियसली आपको सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस में मिलते हैं, S सीरीज और नोट सीरीज में, जिनमें आपको एमोलेड वाली जो डिस्प्ले मिलती है। लेकिन अभी सैमसंग ने जो कर्व्ड डिस्प्ले का जो पेटेंट फाइल किया है ये LCD टेक्नोलॉजी के साथ में आपको मिलेगा। जी हाँ, अब जब LCD का आप जो वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब ये चीप होगा, और जब ये चीप होगा तो इसका मतलब सैमसंग इसको मिड रेंज फोन में भी जो वो ला सकता है। मतलब फ्यूचर के अंदर सैमसंग के जो मिड रेंज फोन आएंगे उनमें आपको कर्व्ड डिस्प्ले जो वो देखने को मिलेगा जो अक्सर आपको फ्लैगशिप फोन्स में मिलते हैं। जी हाँ, और ये जो LCD टेक्नोलॉजी वाला जो डिस्प्ले है इसके नीचे वो लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे, जो पहले ग्लास का होता था ये प्लास्टिक वाला होगा, इससे थोड़ा सा ये बेंड करने में और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा, प्लस ये ज्यादा स्टडी भी होगा। जी हाँ, तो इजी भी होगा और काफी यूजफुल भी होगा। अब देखते हैं सैमसंग वाकई में जो वो मिड रेंज के अंदर अपने कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन को लाएगा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो अभी शाओमी की तरफ से खबर आ रही है और हमें पता है कि शाओमी ही ऐसी कंपनी जिसने ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो लॉन्च अभी तक नहीं की हो। शाओमी ने, शाओमी का जो मी जी आई है ना, उन्होंने यहाँ पे चाइना के अंदर जो वो अपने एक वॉशिंग मशीन जो वो लॉन्च कर दिया। जी हाँ, और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो सिर्फ 20,000 रुपए की है। यही तो खासियत होती है ना शाओमी की, जो प्राइस रखते हैं वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी रखता है। अब ये जो है यह 10 kg लोड का आपको कैपेसिटी वाला वॉशिंग मशीन मिलता है, वॉशर ड्रायर सब कुछ मिलता है, और इसकी जो खासियत ये है कि काफी क्वाइट है, ये जब घूमेगा तो बिल्कुल भी आवाज नहीं होगा, और इसमें BLDC वाला मोटर लगा हुआ है, प्लस ये लो पावर कंजम्पशन वाला जो वॉशिंग मशीन आपको मिलता है। अब ये अगर Xiaomi इंडिया में भी लेके आ जाए तो मजा आएगा, अक्सर Xiaomi ऐसे प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं लाता है। और साथ में Xiaomi का जो पोको F2 है ये फाइनली यहां पे Geekbench के ऊपर जो वो पकड़ा गया है। जी हां, प्रीवियसली लीक रूमर्स रैंडम्स जो भी आ रहे थे लेकिन सामने अभी तक नहीं आया था, अब फाइनली Geekbench पे लिस्ट होकर आ चुका है। आप देखेंगे ऊपर लिखा है Xiaomi का पोको F2, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें देखेंगे जो प्रोसेसर दिखाया जा रहा है वही सेम स्नैपड्रैगन का 845, 6 GB की रैम दिख रही है, एंड्रॉइड 9 पाई दिख रहा है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि Xiaomi का जो पोको F2 आएगा वो शायद से डिस्प्ले में कुछ इंप्रूवमेंट्स लाएगा और कैमरे के अंदर भी लेके आएगा। हो सकता है इस बार आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलेगी, पहले आपको नॉच मिल रहा था, और कैमरे में थोड़ा इंप्रूवमेंट्स करके शायद से ट्रिपल कैमरा इस बार जो वो दे सकते हैं। लेकिन ये कुछ लीक्स अभी यहां पे निकल के आ चुकी है कि Xiaomi का जो पोको F2 है वो स्नैपड्रैगन 845 के साथ में ही आ सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। तो अब Huawei की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और फाइनली यहां पे Huawei ऐसा बताया जा रहा है कि अपने P20 और P20 Pro के सक्सेसर P30 और P30 Pro को MWC 2019 में जो वो लॉन्च करने वाला है। जी हां, और आने वाले जो फोन्स आएंगे इनमें आपको 3 कैमरा भी और 4 कैमरे भी जो वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो P20 Pro था उसमें आपको 3 कैमरा मिला था, तो P30 में भी 3 होगा, लेकिन जो P30 Pro
प्रो आएगा उसमें आपको चार कैमरा मिलेंगे और ये जो लेटेस्ट फोन्स आएंगे इनमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाले डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी। मतलब फोन वैसे काफी अच्छे लग रहे फिलहाल के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होने वाली है कि ये जो फोन आएंगे इनमें आपको लेटेस्ट किरिन 990 वाला जो वो प्रोसेसर मिलेगा, जी हाँ, जो 5G के सपोर्ट के साथ में आएगा। अभी किरिन 980 अभी ही आया था लेकिन उसमें 5G का सपोर्ट नहीं था और वो 7nm के ऊपर आपको मिला था। हालांकि किरिन 990 भी 7nm के ऊपर ही होगा लेकिन ये EUV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा जो TSMC की तरफ से आपको मिल रहा है। ऑब्वियसली जो 7nm जो एग्जिस्टिंग है वो भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो EUV वाला आएगा ना ये थोड़ा सा और स्लिम होगा और बैटरी एफिशिएंट और भी ज्यादा पावरफुल आपको देखने को मिल सकता है और 5G में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखते हैं यहां पे अगर वाकई में किरिन 990 इनमें आता है ना तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पे रिसेंटली जो वो एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर एक एलेक्सा का फेक एप्लीकेशन यहां पे खुले आम जो वो घूम रहा था और ये एप्लीकेशन इतना ज्यादा लोगों को परेशान कर दिया था कि इसने ऐप स्टोर के टॉप 3 सेक्शन के नंबर 60 पोजीशन पे आ चुका था, साथ में यूटिलिटीज के अंदर नंबर 6 पोजीशन पे आ चुका था। जी हां, अब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एप्पल के ऐप स्टोर के रिव्यू प्रोसेस को उसने कैसे क्लियर किया होगा। एनीवेज यहां पे सेटअप फॉर Amazon Alexa ऐप के नाम से ये घूम रहा था और जब आप Alexa का डिवाइस लेके जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे अगर आप उल्लू बन जाते तो ये आपके IP एड्रेस, सीरियल नंबर और नाम वगैरह सब कुछ जो वो ले लेता है और इससे ही पता चल जाता है कि एप्लीकेशन फेक है। और ये उसके बाद जो लोग इसको इंस्टॉल करते हैं इस एप्लीकेशन को तो ये दूसरों को अलर्ट करने के लिए भी बोल देता है, मतलब एक तीर से ये दो निशाना मार देता है। एनीवेज यहां पे एप्पल को पता चल गया और एप्पल ने तुरंत इस एप्लीकेशन को निकाल दिया। सोच लीजिए ऐप स्टोर पर भी खुले आम फेक एप्लीकेशन यहां पे घूमते और लोगों को ऐसा ट्रिक करते हैं। और साथ में यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि एप्पल ने रिसेंटली अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए जो वो पेटेंट को जो वो फाइल किया है। जी हां, और ये यहां पे पेटेंट अगर आप देखेंगे निकल के आ चुका है जहां पे आप लोगों को दो तरीके का उन्होंने जो वो पेटेंट फाइल किया है, एक देखेंगे लिखा है फोल्ड इन बेंडेबल डिस्प्ले, मतलब अंदर की साइड जो वो फोल्ड होगा, और एक आपको फोल्ड आउट बेंडेबल डिस्प्ले, मतलब बाहर की तरफ जो वो फोल्ड होगा। अभी एप्पल ने फाइनलाइज नहीं किया है, वैसे खाली ये पेटेंट जो वो निकल के आ चुका है। अब सोच रहे जब सैमसंग का फोल्डेबल स्मार्टफोन आएगा तो वो तो 1.25 लाख के आसपास होगा, तो एप्पल का जो फोल्डेबल स्मार्टफोन आएगा तो वो मुझे लगता है 5 लाख से नीचे मिलने वाला है, फिर तो घर बारी बेचना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का जो सबसे पहला डुअल कैमरा वाला स्मार्टफोन जो वो कौन सा था? यहाँ पे सैमसंग का एक फ्लिप फोन था जो सिर्फ कोरियन मार्केट के लिए ही अवेलेबल था, वो यहाँ पे डुअल कैमरे के साथ में देखने को मिला था, वो भी 2007 के अंदर। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे HTC का पहला फोन था 2011 के अंदर जो कमर्शियली अवेलेबल हो गया था और वो HTC का 3D Evo करके एक फोन था जो डुअल कैमरे के साथ में आया था। जो दूसरा कैमरा था ना वो एग्जैक्टली 3D फोटोज और पिक्चर्स के लिए था, स्पेशली आज डुअल कैमरे के साथ हमें पता है कि हम क्या कुछ कर लेते हैं। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है, उम्मीद करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।